एक बार विफल होने का अर्थ यह नहीं है कि सफलता के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आपको नए सिरे से तैयारी करनी चाहिए। विफलता आपको बताती है कि आपकी तैयारियों में क्या कमी रह गई और इसमें क्या सुधार करना चाहिए। दोस्तों, जीवन में कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर अपनी विफलता को झेलने की क्षमता हो, अंधेरे में भी उम्मीद की किरण खोजने की क्षमता हो। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से कामयाब लोगों को देखा होगा जिन्होंने कई बार विफलता को देखा, लेकिन मजबूत इरादों और कठिन मेहनत की बदौलत उनके नाम आज सफल लोगों की लिस्ट में शामिल है। तो मैं जो अब आपको जो टिप्स देने बताने वाला हूँ, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार इसे गंभीरता से सोच कर अपने अंदर जरूर अपना है, और यदि आपको पसंद ना आए हो तो आप वीडियो को यहीं से छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स बतलाता हूँ। दूसरों की मदद ले। विफल होने का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है और आप खुद को बाकी पूरी दुनिया से अलग कर ले। आपको अपने परिवारों, दोस्तों और शुभचिंतकों की मदद लेनी चाहिए। उनसे सलाह ले, अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताएं और उनसे सलाह मांगे। कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताने में शर्माते हैं और सोचते हैं कि आगे वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन ये मुमकिन है कि उन्हीं में से कोई आपकी समस्या को तुरंत समाधान बता दे। नई चीज़ें सीखें। अगर आपको किसी काम में विफलता मिली है तो पता करें कि इसकी वजह क्या है, प्रयासों में कहाँ कमी रह गई। अगर आपको लगता है कि किसी स्किल की कमी की वजह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो उसे सीखने का प्रयास करें। नई चीज़ें सीखने में आप सफलता के करीब पहुँच सकते हैं। आगे बढ़ें। जो हो चुका है उसे स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ना सीखें। अगर आप एक क्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे तो दूसरी जगह प्रयास करें। अपने आप को मोटिवेट करें। अपनी हॉबीज को ही अपना करियर बनाने का प्रयास करे। किसी अच्छे इंसान की सहायता ले और फिर आगे बढ़े। दोगुनी ताकत से लग जाए। कामयाब होने के लिए आवश्यक है कि गलतियों से सबक ले। अपनी गलतियों को अपनी ताकत बनाए। कई लोग अपनी गलतियों से डर जाते हैं और दोबारा प्रयास करना छोड़ देते हैं। अपनी गलतियों को अपनी ताकत बनाए और नए सिरे के साथ फिर से टारगेट अचीव करने में लग जाए। विफल होने पर रुकना नहीं है, बल्कि दोगुनी ताकत से जुड़ जाना है। इस तरह आप अपनी विफलता से जल्दी उभर सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में कुछ बड़ा अचीव कर सकेंगे। वर्तमान हालत को स्वीकार करना सीखें। अपने हालत पर निराश ना हो, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। अपनी हार को सबक के रूप में ले। जो वर्तमान में थे उन्हें सुधारने का प्रयास करें, ना कि अपने अतीत में होकर निराश होकर बैठ जाए। विफलता को बनाए लर्निंग प्रोसेस। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी तरह की विफलता लर्निंग प्रोसेस है। इसके लिए कामयाब होना सीख सकते हैं, पर कई लोग इसे नकारात्मक होकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और हार मान लेते हैं। विफलता को योग्यता तथा आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक चुनौती के रूप में देखना आना चाहिए। विफलता का यह अनुभव आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। हमेशा अपनी पूरी कोशिश करें। सब पॉइंट में एक ही चीज कॉमन है, हमेशा अंदर से मोटिवेट रहे, क्योंकि बाहर से मोटिवेट हम सिर्फ एक दिन या कम से कम एक हफ्ते रहते हैं, लेकिन यही मोटिवेट अंदर से रहेंगे तो हर काम आप आसानी से कर सकते हैं। आप मोटिवेट वीडियो जरूर देखें, लेकिन इस वीडियो में जो बताया गया है, जो चीज़ें आपके लिए बताई गई है, उसे एक बार तो अपना कर देखें। यदि आप उस चीज़ को ही नहीं अपना सकते तो आपका मोटिवेट वीडियो देखने का मतलब ही क्या है। हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, परिवार यहाँ तक कि खुद को धोखा ना दें। जितना कम हो सके उतना ही कम सोशल मीडिया का यूज़ करें। यदि एक बार आपने अपने अंदर मोटिवेट ला लिया तो किसी का बाप तक आपको नहीं रोक सकता सफल होने में। यदि आपको ये 6 पॉइंट्स अपने ऊपर अपना कर जरूर देखें। यदि और लगे कि वास्तव में पॉइंट मेरी ज़िंदगी बदल सकती है तो मैं आपको थैंक यू दिल से। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।